हे बडीज, व्हाट्स अप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी आर्टिस्ट में। आई एम आरबी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आर्टिस्ट अपनी पेंसिल्स को कैसे शॉर्प करते हैं, कैसे वो अपनी लीड्स, पेंसिल की लीड्स इतनी ज़्यादा शॉर्प रखते हैं जो कि हम नॉर्मल शॉर्पनर से कभी भी नहीं कर सकते। वो इन शॉर्पनर्स का यूज़ नहीं करते कभी भी। आर्टिस्ट अपनी पेंसिल को शॉर्प करने के लिए हमेशा कटर का यूज़ करते हैं। मैं इस पेन नाइफ से आपको पेंसिल शार्प करके दिखाऊंगी। हम सबसे पहले पेंसिल का वुडन पार्ट हटा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं HB पेंसिल आपको शार्प करके दिखा रही हूँ। ये हमने वुडन पार्ट हटा लिया है। इसके बाद हम लीड को शार्प करेंगे। मैं फिंगर का सपोर्ट दे रही हूँ ताकि लीड टूटे ना। स्लोली स्लोली शार्प करेंगे। इससे आपकी शेडिंग अच्छी होगी, स्मूथ होगी। यूनिफॉर्म मोशन में होगी। पेंसिल के स्ट्रोक्स बीच बीच में दिखेंगे नहीं। प्लस आपको बार बार शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार शार्प करने के बाद आपकी पेंसिल थोड़े टाइम के लिए चलेगी। ये मैं अब आपको 6B पेंसिल शार्प करके दिखा रही हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आपको एक्सपेंसिव कटर्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने किसी भी पास के स्टेशनरी शॉप पे 10-20 रुपीज़ का कोई भी कटर लाकर उससे भी शार्प कर सकते हैं। आपको ये पेन नाइफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम 8B पेंसिल शार्प कर रहे हैं। अब इस तरह से आर्टिस्ट अपनी पेंसिल्स को शार्प करते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।